वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मोहम्मद अंसारी, आप सभी लोगों का एक खिलाड़ी सब पे भारी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे के डे नंबर 5 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? अरे भैया, चौथे दिन का ऑफिशियल कलेक्शन तो आया नहीं, तुम अपना ये मुंह लेकर काहे आ गए भाई वीडियो बना के। देखिए गाइस, आज के वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स हैं, उन लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ। चलो रिव्यू छोड़ दो साइड में, एज एन ऑडियंस मैं सुबह 7 बजे उठ के जुम्मा के दिन फ्राइडे को सिनेमा घर जाता हूँ फिल्म देखने के लिए। जितनी की भी टिकट हो, 150 की, 200 की, 250 की, 300 की, मैं खरीद के फिल्म देख कर आता हूँ। एज एन ऑडियंस आई वॉन्ट कि मैं जो फिल्म देख रहा हूँ मुझे उसके कलेक्शंस पता चले। मेरी तरह ऐसे करोड़ों लोग आपकी फिल्म देखते हैं। एज एन ऑडियंस इवन दे वॉन्ट टू नो वॉट द फिल्म इज कलेक्टिंग। एज फैंस यू आर चीटिंग द फैंस बाय नॉट गिविंग द कलेक्शंस। एंड मैं सारे के सारे मेकर्स से बात कहना चाहता हूँ, सत्यमेव जयते 2 पहले दिन का ही कलेक्शन नहीं दिए, दूसरा तीसरा दिन छोड़ दीजिए। भले आपकी फिल्म पहले दिन 2 करोड़ कमा रही है, 3 करोड़ कमा रही है, राधे श्याम 3 दिनों के बाद कहाँ गए भाई, गायब हो गए भाई, कलेक्शन का आता पता ठिकाना नहीं। ऐसा मत कीजिए आप लोग, सभी लोग कृपया करके। एज ऑडियंसेस वी फील चीटेड। मुझे कभी नहीं लगा था कि एनजीई मंडे को कलेक्शन ही नहीं रिपोर्ट करेगा फिल्म के। गाइस दिस इज वेरी सैड एंड प्लीज, ये होने का एकदम दिल टूट सा गया है। एंड बच्चन पांडे हैज फॉलन लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। कल रात को जब मैं 3-3.5 करोड़ रुपए बोल रहा था तो बहुत लोगों को मजाक लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, पागल वागल हो गया है, 3-3.5 करोड़, अरे चल बे 12 करोड़ रुपया कमाया है संडे को, 13 होली के दिन कमाया है, कुछ भी बोलता रहता है जब देखो तो। गाइस जब सुबह कलेक्शन आया, अभी ट्रेड तो रिपोर्ट करेगा कलेक्शन, ट्रेड के हाथ कोई रोक नहीं सकता कलेक्शन रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर फिगर की भी एक नाम की चीज होती है ना, जिसमें हम सब विश्वास करते हैं कि प्रोड्यूसर कलेक्शन देगा ईमानदारी से। अरे प्रोड्यूसर कलेक्शन ही नहीं दिया भाई पिक्चर का, और ट्रेड ने 3.5 करोड़ रुपया रिपोर्ट किया। आज खत्म पिक्चर, 3 करोड़ के नीचे गिर गई है पिक्चर। शॉकिंग, बच्चन पांडे इज अ मैसिव फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। हाँ, अब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए आप लोगों को फरहाद सामजी को आने वाली फिल्मों से नहीं निकालने के लिए। आज वही नजारा है, आज सोशल मीडिया पर वही नजारा है जो आज से 3-4 साल पहले था। सलमान खान के फैंस के मुंह सूख गए थे, वी डोंट वॉन्ट दबंग 3। चलो बनी, हम सभी लोगों ने फिल्म को सपोर्ट भी किया, हाँ उसके बाद भी यहाँ पर लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। देखिए गाइस, यहाँ पर ये चीज कहा जा रही है कि यू नो फरहाद सामजी को फिल्म से नहीं निकाला जा सकता, अप्रैल में फिल्म बनने वाली है। मुझे यहाँ पर एक चीज पता चली जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। अक्षय सर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जोकर, मैसिव डिजास्टर थी वो फिल्म, मैसिव मींस मैसिव डिजास्टर थी। उसके डायरेक्टर थे फराह खान के पति शिरीष कुंदर। शिरीष कुंदर एंड ऑलरेडी मेड जाने मन विथ सलमान भाई एंड अक्षय सर, तो ये किनकी डायरेक्टर होने वाले थे, शिरीष कुंदर। शिरीष कुंदर वाज सपोज टू डायरेक्ट सलमान भाई किक। अब सभी लोगों को ये बात पता होगी, जितने लोग वो एरा के थे सबको पता होगा। किक में से शिरीष कुंदर को निकाल के नडियाड ने बोला मैं इस फिल्म को डायरेक्ट करूं। सलमान भाई बोले नडियाड तू बना फिल्म, नडियाड वाला केम ऑन बोर्ड। जब वो हो सकता है तो फरहाद सामजी को यहाँ कभी कभी दिवाली से क्यों नहीं निकाला जा सकता, मुझे एक बात बताओ। जिससे भी बात करो इंडस्ट्री में, फरहाद सामजी बहुत अच्छा आदमी है, फरहाद सामजी दिल का अच्छा है, तो दिल के अच्छे तो रेमो भी है भाई। रेमो से अच्छा दिल तो किसी इंसान का नहीं है। प्रभु देवा तो एकदम ऐसा आदमी है कि एकदम इतना शरीफ, उसको देख के रोना आ जाएगा, गले लगा लोगे। तो क्या इसका मतलब आने वाले समय में उनको सारी पिक्चरें दे दो भाई, लो बर्बाद कर दो पूरी पिक्चर डायरेक्ट करके? नहीं ना, एक अच्छे इंसान से और एक अच्छे डायरेक्टर से कितना जमीन आसमान का फर्क है। आज सोशल मीडिया पर एनजीई वी डोंट वांट सामजी इन कभी कभी दिवाली नंबर 1 पोजीशन पर ट्रेंड कर रहा है, कम से कम 40-50 हजार के ट्वीट से। आप फिल्में किसके लिए बनाते हो? नहीं, किसके लिए बनाते हो? वो अर्थ वालों के लिए बनाते हो, प्लूटो नेप्ट्यून सैटर्न किसके लिए बनाते हो? धरती के लोगों के लिए बनाते हो ना। अरे जब 30-50 हजार फैंस ही खुश नहीं है फिल्म से, हाँ डायरेक्टर से, तब आप किसको दिखाओगे फिल्म वो? हाँ न्यूट्रल ऑडियंसेस तो वैसे ही बैंड बजाने के पीछे पड़ी हुई है सब एक्टर लोग की। तो सलमान भाई के फैंस ही नहीं देखे, और ये वो फैंस है सलमान भाई के जो थिएटर में जाते हैं फिल्म देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि फिल्म नहीं देखने के लिए आते थे, गो एंड वॉच द फिल्म इन थिएटर। इनको नकारोगे ना
तो फिर अंत क्या होगा आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं। दिस इज वेरी सैड कि प्रोडक्शन हाउस के कानों में जू भी नहीं रेंग रही है आफ्टर द मैसिव यू नो क्या बोलते हैं फ्लॉप ऑफ बच्चन पांडे। स्टिल द प्रोडक्शन इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम यहाँ पर सामजी को आगे लेके जाएंगे। मुझे कास्टिंग भी पता चली है फिल्म की, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को कास्ट किया गया इस फिल्म में। आई थिंक जब वो अनाउंसमेंट होगी तो फैंस वही कैरेक्टर को लेकर खुश हो जाएंगे एंड सब भूल जाएंगे। हम इंतजार करेंगे सामजी को इस फिल्म के डायरेक्टर बनने के लिए। एक साल अब सामजी को फिर से झेलना पड़ेगा आई थिंक सो। पर कभी कभी दिवाली एपिसोड आगे बढ़ाते ना, आई थिंक अक्षय कुमार के फैंस बहुत सहन कर ही चुके हैं एंड वो मेरी बातों से वाकिफ भी होंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश करता हूँ एंड वो डायलॉग आज वाकई में सच होते हुए दिखाई दे रहा है। हम पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे, अब तुम्हारी बारी है। चलो आज इसी नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट एपिसोड, क्योंकि जब प्रोड्यूसर फिगर्स कलेक्शन नहीं भेजता मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ये मेरा पहले से हिसाब रहा है एंड आई एम नॉट गोना चेंज इट। तो ये मेरा बच्चन पांडे का लास्ट वीडियो होगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। इसके बाद मैं बच्चन पांडे पे वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। मुझे नहीं मजा आता ऐसे कलेक्शन बताने के लिए। प्रोड्यूसर रिपोर्ट करेगा तो वीडियो बनेगा एंड प्रेडिक्शन वीडियो बनेगा। कल प्रोड्यूसर का कलेक्शन रिपोर्ट नहीं करता तो दिस विल माय लास्ट वीडियो फॉर बच्चन पांडे। चलिए एपिसोड आगे बढ़ाते हैं गाइस। ओके तो गाइस आज बात करेंगे पांचवें दिन की। तो पांचवें दिन में मुंबई में 420 शोज थे, कल 415, तो 5 शोज जो है बढ़ा दिए है। एंड बात करूं आज की मुंबई की तो ऑक्यूपेंसी वॉज जस्ट 8%। दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो 541 शोज है दिल्ली एनसीआर में आज एंड कल 545 शोज थे, यानी कि 4 शोज कम किए, ऑक्यूपेंसी ओनली 9%। पुणे की बात करूं 149 शोज थे, कल पुणे में 151 शोज थे, यानी कि 2 शोज कम किए, ऑक्यूपेंसी इज जस्ट 6%। बेंगलुरु ऑक्यूपेंसी 7% है एंड शोज है 132, कल बैंगलोर में शोज थे 134। हैदराबाद की बात करूं तो कल 161 शोज थे, आज हैदराबाद में 153, यानी कि ऑलमोस्ट 7 शोज कम कर दिए हैं। हैदराबाद में ऑक्यूपेंसी है केवल 4% की, यानी कि वो शो रख के भी कोई मतलब नहीं है, पब्लिक फिल्म देखने के लिए ही नहीं आ रही है। ऐसा खराब पिक्चर गिरी है कि सच में कुछ मिला नहीं। मैंने इसको ट्रेलर लेवल तक भी सपोर्ट किया था फिल्म को, लोग बोलते रहे अबे रीमेक को क्यों सपोर्ट करता है, पागल है तू, हाँ मीम भरे हुए इस ट्रेलर में, जोक भरे हुए ट्रेलर में, कितना अक्षय कुमार करेगा। एंड तक फिल्म को सपोर्ट किया लेकिन जिस दिन देखा ना पिक्चर उस दिन उतर गई फिल्म हाथ पे से मेरी, सच्ची बोल रहा हूँ। बात करूँगा इस अहमदाबाद की, 247 शोज है अहमदाबाद में एंड यहाँ पर 245 शोज। इतना ही नहीं, आज पूरा का पूरा सोशल मीडिया फराज सामजी को ना उल्टा सीधा बोल रहा है। सलमान भाई के फैंस नहीं, इवन अक्षय कुमार के फैंस जो एक जमाने में फराज सामजी पर थोड़ा विश्वास रखते थे कि हाँ भाई अक्षय सर को इसने अपने करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म दिया है, भाई हाउसफुल साजिद खान की पिक्चर है। मैंने तुम लोग लास्ट ईयर ही बोल दिया था वो बंदा पूरी फिल्म डायरेक्ट करके गया है, लंडन के स्केड्यूल से लेके यहाँ तक के स्केड्यूल समझ में आया। अपन पैलेस में वाला सीन देखे थे अक्षय कुमार का वो गले में घुमाता हुआ वाला, सब साजिद बना के गया है पिक्चर यहाँ से। ये तो एंड में आए भाई साहब, ये इनको थाली में परोस दिए, भाई ये लो जाओ तुमको डायरेक्टर का नाम लिख देंगे तुम्हारे को। चेन्नई की बात करो तो गाइस चेन्नई में 56 शोज में ओनली 18% ऑक्यूपेंसी, पूरा पूरे सब जगहों पर मैसिव डिसअपॉइंटमेंट है बच्चन पांडे कलेक्शन। ऐसा लगता है ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ रुपया कमाएगी। तो हम लोग पॉजिटिव साइड पर चलते हैं, 3 करोड़ पकड़ के चलते हैं एंड ऐसा अगर हुआ तो आज 3.5 यानी कि 40.75 करोड़ में 3 करोड़ और 43.75 जोड़ लीजिए। उसके बाद वेडनेसडे को फिल्म 2.5 करोड़ एंड उसके बाद 2 करोड़, यानी कि ये फिल्म कहीं ना कहीं अब 50 करोड़ शायद टच कर लेगी या 48-49 करोड़ टच कर लेगी फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में इसके 10 करोड़ कमाने के भी वादे हैं। आई थिंक लाइफ टाइम 60-63 करोड़ पे फिल्म रैप अप है। इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, थिएट्रिकल बिजनेस वाइज, डिस्ट्रीब्यूटर शेयर वाइज, ये फिल्म सभी को निराश करने वाली है। ओके गाइज, सो आई होप आज का एपिसोड सभी लोगों को समझ में आया होगा। देखिए गाइज, अब हम नहीं बोलेंगे ना तो आगे जाके हम पे ही भारी पड़ने वाला है, ये हमने देख लिया है पिछले कई सालों से। हम लोग का एटीट्यूड कैसा था पता है, अरे चलना जाने दो यार, चलो अपना एक्टर उसके अंदर है, अक्षय सर है, अरे सलमान भाई है इसके अंदर, निकल जाएगी पिक्चर। दिस एटीट्यूड ऑफ अस हैज बॉट अस इन दिस सिचुएशन। आज जो हम सिचुएशन में है उसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं कि हम लोग अरे चलता है यार सलमान भाई देख लेंगे पिक्चर, अरे अक्षय सर पिक्चर देख लेंगे, हम जिम्मेदार है इसके और कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अब ये रुकना होगा एंड अब ये सारी चीजें जो है अपने मनपसंद डायरेक्टर, हमको नहीं देखना है भाई फराज सामजी को पिक्चर बनाते हुए, हमको नहीं मजा आएगा उसकी, वो नहीं बना सकता फिल्म। दैट्स इट, पॉइंट डन। सो ऑलवेज से स्टे कूल मैन।